खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाई सुरेंद्र जी और इस क्षेत्र के सांसद, आज एक बात बताऊंगा आपको सांसद के बारे में। इन सांसद साहब को मैं पिछले 30 सालों से प्रत्यक्ष राजनीति में लाने वाले प्रयत्न कर रहा हूं। हमेशा राजनीति में प्रत्यक्ष आने के लिए मना करते रहे। पिछली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी भाई केसाराम जी, बहन सजना जी, गिरवर जी और बहुत ही सरल स्वभाव के और वर्षों तक जिन्होंने मेरे साथ भी काम किया, ऐसे हमारे आईजी साहब और मुझे अभी पता लगा वो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे चौधरी सीरवी साहब, सीरवी समाज के बाकी सब पदाधिकारीगण, पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब और यहां मंच पर उपस्थित और पंडाल में उपस्थित समाज के सभी अग्रणी बंधुगण और मेरे प्यारे मित्रों, खिलाड़ियों, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, मैं अभी बैठे बैठे मंच में सोच रहा था हमारे केंद्र में दिया सरकारी लेवल पर कई प्रकार के खेल पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन आज जैतरण आकर मुझे एक नई चीज का अनुभव हुआ कि किसी समाज विशेष में, अपन वैसे कहने को 36 कौम कहते हैं लेकिन बहुत समाज है, लेकिन समाज विशेष में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर नारा चरितार्थ किया है तो मैं इस धरती पे आके धन्य हुआ हूं जो सीरवी समाज ने किया है। और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता हूं मैं गलत हूं, देश भर में घूमता हूं लेकिन कहीं पे भी मुझे ध्यान नहीं आया कि किसी पर्टिकुलर समाज ने समाज का मात्र अखिल भारतीय खेल कुंभ किया हो। यह मैं यहां पहली बार देख रहा हूं। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस खेल के आयोजकों को, हम बल्ला राम जी तो बहुत बचपन से मेरे साथी रहे, बालक रहे हैं मेरे, एमरजेंसी में बहुत छुपते छुपते कमरे में रोटी बना के रखते थे, मैं रात को चुपचाप रोटी खा के चला जाता था। और ये अग्राराम और बाबूलाल तो मेरे पीछे ही पड़ गए, बिल्कुल ये कार्यक्रम में आना ही है, लेकिन यह कार्यक्रम में आने मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। और वास्तव में मन जी आपने आज दिन भी बहुत सुंदर चुना है, बहुत अच्छा दिन है आज। आजादी के बाद पहला व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठे ना जिसने गांव की तरफ सोचा और जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस देश को दी, ऐसे सदैव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन है। इतने महापुरुष के जन्म के दिन आप लोगों ने यह कुंभ किया है। इसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है जिन्होंने अपने दोनों पुत्र दीवार में चुनवा दिए थे देश की, समाज की, धरती की रक्षा के लिए। और इससे बड़ी बात और, आप सब किसान हो, धार्मिक लोग हो, आज का दिन तुलसी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज तुलसी दिवस भी मनाया जाता है। कई लोग कहते हैं साहब क्रिसमस है, मैं कहेगा क्रिसमस आया तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ भाई, आज वास्तव में तुलसी दिवस है। और इसलिए तुलसी ऐसे तीन तीन महत्वपूर्ण जयंती के दिन आपने ये खेल कुंभ रखा है। और जिस प्रकार से आपने इतने बड़े क्षेत्र से, लगभग मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि हमारा सीरवी समाज दक्षिण में ज्यादा गया, पूर्वांचल भी नहीं गया है, तो पूर्वांचल के लोग कम है, लेकिन जिस प्रकार से लोग एकत्र आए मैं धन्यवाद दूंगा। और वास्तव में खेल जीवन में कंपलसरी है, खेल से जीवन स्वस्थ होता है, जैसा गोयल साहब ने कहा, जैसे केसाराम जी ने कहा, खेल ही जीवन है हमारा। और हम तो बचपन से खेलते थे, कोई त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, राखी हो, कोई ना कोई हमारे जीवन में खेल
और किसान के जीवन में तो दिन भर खेल रहता है, और इसलिए आपने ये जो खेल का बीड़ा उठाया, मैं आपकी फिल्म को पीएमओ तक पहुंचाऊंगा ताकि पीएमओ से भी आपको थैंक यू लेकर आए। बहुत बड़ा काम किया है, शिरडी समाज में जो प्रेरणा जगी है, चाहे वो आईजी साहब की वजह से जगी हो, चाहे वो और आई माता की वजह से जगी हो, शिरडी समाज में जिस तरह से एकाग्रता से, और मैं तो बचपन से देखता हूं जितनी कोऑपरेटिव की भाव, सहकारिता का भाव इस समाज में है, इसलिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई चेन्नई में जाके, कोई तिरुपति में जाके, कोई बेंगलोर में जाके, कोई केरल में जाके अपना व्यवसाय स्थापित करेगा, पढ़ाई मेरी होगी या नहीं होगी, शिक्षा मेरी कुछ ली होगी नहीं ली होगी, स्कूल में गया कि नहीं गया होगा, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी परिश्रम, मेरी धार्मिकता उसने इस समाज को आगे उठाया, आज ये समाज इस करने में सक्षम हुआ। और इसलिए मैं चाहूंगा कि खुले मन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी समर्पित है, उनके जीवन का लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। इस धरती पे पहली बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया, 70 वर्षों तक हर साल देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री, दुनिया उसको सुनती भी नहीं थी, हम दुनिया में हीन भावना से जी रहे थे, हमारे नेतृत्व में सदैव भय बना रहता, तो मन में भय रहता था जापान नाराज होगा, लेकिन ये देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया, गरीब घर का प्रधानमंत्री, यानी गरीब घर भी कैसा गरीब घर, अच्छी स्कूल में भी नहीं पढ़वा, बोले आई माता की, पैसे वाले का घर हीरा पैदा नहीं होगा भाई, हीरा अगर पैदा होगा तो घर से बन जाएगी। इस घर में पैदा हुआ, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, क्या भाषण दिया, खुद के लिए नहीं मांगा, अपने देश के लिए नहीं मांगा, पूरी दुनिया में बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से लाखों करोड़ों रुपया हर परिवार के हर साल खर्च होते हैं, अरे बहुत मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे मना लिए, क्यों नहीं पूरी दुनिया एक बार साल में योगा दिवस भी मनाए। हम कभी कल्पना करते थे कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उस प्रधानमंत्री ने भी दुनिया से एक बात मांगी, क्यों नहीं दुनिया का व्यक्ति की आवाज सुनी, और आज 21 जून पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया में योगा दिवस के रूप में मना रहे, उसके पीछे मूल भाव है कि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन खेल को बढ़ोतरी देने के लिए, और पर्टिकुलर में राम जी से प्रस्तुत करूंगा कि आपने इतना बड़ा मैदान दिया, और सुरेंद्र जी तो पहले ही आपके स्टेडियम की घोषणा कर चुके, आप बच्चों को ट्रेन कीजिए, आप बच्चों को आगे लाइए, मैंने खुद ने जो काम अभी मैं लेट दे पाया यूपी में व्यवस्था की वजह से, कौन फंड देगा, सेंट्रल से आएगा वो पैसा, आपको स्टेट से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, वो पैसा यहां से आएगा, इसलिए बच्चों की कुवत बढ़े, बच्चों में खेल का दिखावा बढ़े, बच्चे खेल अच्छे खिलाड़ी बने। और कई बार कल्पना गलत है, अपने घर में कहे हुए कि माँ बाप घोड़ा खेल वाम लागे तो कहे पढ़ खेले खेले करी कौन पूछे, लेकिन खेलने से उसका दिमाग भी तेज होता है, ध्यान कर, 1 लाख रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट देती, हम उसको कोच देंगे, ये अग्रहराम भी बहुत पढ़ता था जब से मेरे पास आ रहे हैं, मैं समाज के सामने अग्रहराम कह रहा हूं भाइयों तेरे को, तो ये खेल को बढ़ावा देना हमारा जरूरी है, और जब मुझे ये पीछे पड़ेगा आपको आना है, मैं कल तो मुंबई में था लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आपने कहा तो मैं आऊंगा, और मैं भी एमपी हूं, चिंता मत करो, किसी भी गांव में खेल के लिए पैसा चाहिए, तुम अगर जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि हमारा पैसा देने में नियम बने, उस नियम के तहत अगर पैसा देना है तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में कहीं पे भी दे सकता हूं, लेकिन खेल को बढ़ावा के लिए जो चाहिए जो मिलेगा आप लोगों को, लेकिन मेरा ऐसा कहना है, अब भाई थे कोई कमजोर रिया नहीं हो, हुल दे हमारी बात, न पैरों कमजोर हो न वोटों कमजोर हो, वोटो मतलब मसल पावर कमजोर नहीं हो, खूब संज्ञा राम जी राजी आपने आई माता जी खूब कर पाए, नहीं एक बात बीच में सर 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 बीच में हमारा निवेदन रहेगा, रुक जा तुम्हारे सरपंच रुक जा भाई, एक बात और करो, अगर सुरेंद्र जी ने केसाराम जी भेड़ा में जमीन दे रहा थे
तो हॉस्टल की जोरदार बड़ी नहीं बड़ी आप बताओ भला 40 करोड़ रुपये उगाए नहीं बैठे कैसा राम जी दो कमरे नहीं बना आजकल कोषा अध्यक्ष जी ध्यान है नहीं? और राजस्थान की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा साहिबा चला रही हैं। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जमीन जमीन आप अलॉट करवा सकते हैं हुकम? मैंने कहा है ना जमीन स्टेट गवर्नमेंट देती है, नेम देता ऐसे नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट आपके? हाँ हाँ भाई, तो कहा है ना पता करेंगे, ऐसा नहीं होता ना, उसके कई नियम होते हैं। आपकी संस्था को रजिस्टर करना, आपने जिस प्रकार की बढ़ेरा बनाई है समाज के लिए, मैं तो वहां नतमस्तक हो जाता हूँ कि कोई भी गरीब आता है रोटी खाने की व्यवस्था ठहरने की। हैदराबाद में तो बिल्डरों में लिफ्ट लागोड़ी है, तो भाई थे अब कम होनी घनी सरकार का नहीं मत देखो हैंग काम सरकार करी हो क्यों नहीं जरूरत नहीं है कुछ थे भी कर आज इतना बड़ा फंक्शन करिया नहीं हो साधुवाद है इतना बड़ा प्रश्न करने का। ये आपकी हिम्मत से हुआ फंक्शन, ये कोई मेरी कृपा से ओम जी माथुर क्या वो नहीं हुआ। 50 लाख रुपए लगेंगे वो लोग कह रहे तो आपने इकट्ठा किया, बहुत साधुवाद हो। जिन दानदाताओं ने मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, मेरी ओर से राजस्थान के नागरिक होने के नाते प्रणाम करता हूँ मैं सबको। लेकिन अपन पहले समाज को आगे लाए, और समाज आगे आ रहा है, समाज आगे आ रहा है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन, आपको शुभकामना है, और साथ में मेरे बच्चों से आग्रह कि बच्चों सुरेंद्र जी ने जो आपको कहा है कि अपनी ट्रेनिंग में एकाग्रता रखो, आप कैसे आगे आ सकते हो। और अच्छा लगा मेडल प्राप्त करने वालों को तो अपना, और मुझे आज अग्रराम जी खुशी हुई कि आपने इसमें खोखो जोड़ा, खोखा जोड़ा। हाँ बताया खोखो के खेल जोड़े, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अपने लोकल गेम है, उन लोकल गेमों में भी एक्सपर्ट करो। हमारा ध्यान है, हम गिल्ली डंडा को भी नेशनल गेम बनाने वाले, जैसे कबड्डी बनी वैसे गिल्ली डंडा भी नेशनल गेम बने अपना। अरे बहुत क्रिकेट ने लारे भाग्य आप है भाई, राजस्थान लेवल पे गिल्ली डंडा भी खेला जाता है परंपरागत खेलों में। हाँ तो आपके यहाँ भी गिल्ली डंडा होना चाहिए, जरूर रखेंगे। हाँ लोकल गेम खेलो आप, हितोड़िया। अरे हितोड़िया तो भूल ही गया आप है ना, हितोड़िया पाजा भेड़ा खेल, पारंपरिक खेल जोड़ो अपना। तो सारे अपने खेल जोड़े, एक बार आप सब लोगों को मुझे बुलाया मुख्य अतिथि के, और मैं तो थोड़े शीर भी समाज में जूंगा वो याद ध्यान रहा मोटे ही थोड़े बीच में वो हूँ। लेकिन आप सब ने बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतना अच्छा आयोजन किया, एक बार पुनः पूरे समाज को मेरी शुभकामनाएं, और पर्टिकुलर आयोजन समिति की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माथुर साहब से।